सुबह सुबह तुलसी पर जल चढ़ाते हुए बोल दें ये छोटा सा मंत्र, धन धान्य से भर जाएगा घर। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की काफी अहमियत है। तुलसी के पौधे को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और कहा जाता है कि भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। तुलसी के पत्तों के बिना भगवान विष्णु की पूजा में प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि तुलसी पर जल अर्पित करना बेहद शुभ होता है और इससे घर में सकारात्मकता आती है। वैसे क्या आप जानते हैं कि तुलसी पर जल चढ़ाते हुए एक मंत्र भी पढ़ना होता है जिससे घर धन धान्य से भर जाएगा। एक धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अगर तुलसी जी पर जल चढ़ाते समय ओम मंत्र का 11 या 21 बार जाप किया जाए तो बुरी नजर से बचाव होता है, साथ ही घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। दो विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी दल चढ़ाना जरूरी होता है, इसलिए तुलसी का पत्ता तोड़ते समय ओम सुभद्राय नम माता तुलसी गोविंद हृदयानंद कारिणी नारायणस्य पूजार्थम चिन्मित्व नमोस्तुते मंत्र का जाप करें, इससे पूजा का दोगुना लाभ मिलेगा। तीन जीवन में सफलता पाने के लिए महाप्रसाद जनी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरण नित्यवन तुलसी त्वं नमोस्तुते मंत्र का जाप करें, इससे तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। चार अगर किसी को नजर लग गई हो तो उसके सिर से लेकर पांव तक सात तुलसी के पत्ते और सात काली मिर्च के दाने लेकर 21 बार उतार लें, फिर इसे नदी में प्रवाहित कर दें, इससे बुरी नजर दूर हो जाएगी। पाँच भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ाते समय इसमें चंदन लगाएं, इससे विष्णु जी प्रसन्न होंगे, ऐसा करने से घर में बरकत भी होगी। छह तुलसी जी की पूजा करते समय शुद्ध देसी घी का दीपक जरूर जलाएं, इससे सकारात्मकता बढ़ेगी, साथ ही घर में समृद्धि आएगी।